साहब हमारे साथ मौजूद है। शिवाजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कहा था हमारे प्रोग्राम में जब सेनेट में मामला तवालत का शिकार था कि नवंबर ज्यादा से ज्यादा ये सेनेटर्स दिसंबर में अगर कर दें तो हम कोशिश करेंगे कि वक्त पर इंतखाबात हो सकें। अब कर दिया गया है सदर के दस्तखत के बाद बाकायदा तौर पर ये हो भी जाएगा, तो अगस्त तक इलेक्शन हो सकते हैं या उससे पहले भी हो सकते हैं? देखें जी, इलेक्शन कमीशन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम बार बार इनको कह रहे थे कि आप इसको इन टाइम करें, लेटर्स भी लिखे गए कंसर्न गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को, प्रेस रिलीजेस भी की, टीवी पे भी आए, सेक्रेटरी भी कहते रहे हमारे, लेकिन आप देख लें कि ये कल ही इसमें सेनेट से हुआ है और उसमें आप प्रेसिडेंट साहब भी इसको करेंगे, उसके बाद ये आनी हैसियत इख्तियार कर लेगा, तो अब हमारे लिए चीज़ें तो काफ़ी मुश्किल हो गई हैं। हंगामी बुनियादों पे हमें काम करना होगा, दिन रात काम करना होगा, क्योंकि जो इसके लिए आइडियल टाइम मैं आईपी के प्रोग्राम पे बार बार आके बताता रहा कि 6 महीने हैं, फिर हमने साढ़े पाँच माह कर दिए। अब जो हम इसको शुरू कर रहे हैं तो इमीडिएटली हमने इलेक्शन कमीशन ने फौरन ये कल सेनेट से जो पास हुए तो हमने एक्शन लिया है और तमाम अहम मीटिंग के लिए चारों चीफ सेक्रेटरीज और ये इनको नादरा के चेयरमैन और सेंसेस डिपार्टमेंट से और इन सब को बुलाया है। अब ड्राफ्ट प्लान जो हमारा है वो 26 ही से हम इसको शुरू करें, जिसमें हम पहले नक्शे लेंगे क्योंकि इसमें लाखों नक्शे चाहिए, हमें अर्बन एरियाज़ की भी चाहिए, हमें रूरल एरियाज़ की भी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में हैं, तो ये देख लें कि हम एक्चुअल जो डिलिमिटेशन पर जा रहे हैं ये 26 दिसंबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं, बल्कि 22 से शुरू हो जाएगी कल परसों से एक्टिविटी, तो इसमें हम जो एक्चुअल डिलिमिटेशन है जिसमें हमारी 5 कमेटियां बनेंगी वो काम करेंगी, 4 सूबों के लिए और 1 इस्लामाबाद और फाटा के लिए, तो ये अपना काम 45 दिनों में एज इलेक्शन एक्ट पर, इलेक्शन एक्ट सेक्शन उसका मैं बता दूं आपको कि 17 के तहत जो है हम इसको कर रहे हैं, फिर इसमें 45 डेज में वो जो प्रिलिमिनरी अबूरी जो हमारी डिलिमिटेशन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसी इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 21(2) के तहत हमने आवाम के लिए वो रखनी है कि वो अपनी प्रपोजल्स दें और अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करें, तो इसमें हम 30 डेज उनको देंगे, तो 30 दिन वो हो गए, तो ये फिर आगे इसी दूसरा सेक्शन है 21 जो है सेक्शन 4, वो उसके तहत हम फिर उस डिस्पोजल करेंगे, जो हम सुनेंगे कमीशन जो सुनेगा तो उसकी डिस्पोजल भी तो करनी है, तो ये हमारी बन रही है जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया हुआ, अभी नया ड्राफ्ट कल के बिल के पास होने के बाद सेनेट से, तो हम इसको अराउंड 20 मई तक ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ये इन तमाम मुश्किलात को जो मैंने जिक्र की हैं कि इतनी हमें हर्डल्स आई हैं इसमें और हम बार बार इसको कहते रहे, लेकिन इसको वहीं तक लाया गया जहाँ चीज़ें अब बिल्कुल टाइट हो गई हैं। तो आप कह रहे हैं कि 20 मई तक अगर आप मुकम्मल करेंगे तो यानी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्च के बाद, तो जाहिर है अगर इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं सेनेट के इलेक्शन के बाद कि मई में आप अगर काम पूरा करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, अप्रैल में कॉल कर दिए जाएं तो जून तक इलेक्शन हो जाए, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है वक्त पर ही अगस्त पर ही में ही आप इलेक्शन करा सकते हैं इस सारे प्रोसेस के तहत? जी देखिए, इलेक्शन की चीजें तो आपके अब सामने है, मेरे ख्याल से पूरी कौम के सामने हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि अब इस पे ये अभी जो मैंने शेड्यूल बताया है आपको, नया ड्राफ्ट शेड्यूल, ये हमारा 20 मई के करीब ये ख़त्म होगा, तो अभी आप देख लें उसमें चीज़ें हैं कि आगे जो असेंबली की कानूनी मुद्दत है आईनी वो पूरी हो रही है 31 मई को 1 जून के आसपास, तो उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर हमें इलेक्शन कराना होता है, तो इसमें एक ये भी है कि ये शेड्यूल के पहले ही से हमें 2 माह पहले ही से आर ओ अपॉइंट करने हैं, तो नए इलेक्शन एक्ट के तहत आपको पता है कि इसमें आर ओ जो हैं वो शेड्यूल से कम 2 माह पहले इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करने हैं, तो अब जब तक वो डिलिमिटेशन का काम हम कर नहीं पाएंगे ये 20 मई तक, तो उस वक्त तक आर ओ की अपॉइंटमेंट भी डिले हो।